प्रेगनेंसी के पहले ट्रिमेस्टर में मोस्ट ऑफ 90% वुमन को जुबान पे मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी में जुबान पर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ज़ुबान से हम चीज़ों का स्वाद महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक से टेस्ट महसूस नहीं हो रहा अपने फूड का, तो आप कहीं ना कहीं खाना खाने से बचेंगे, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, और इस तरीके से आपका और गर्भ में पल रहे शिशु का पोषण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। प्रेगनेंसी के पहले ट्रिमेस्टर में मोस्ट ऑफ 90% वुमन को जुबान पे मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है। ये मेटेलिक टेस्ट क्यों होता है? पहली तिमाही में एस्ट्रोजन का लेवल, जो हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और उसके लेवल के फ्लक्चुएशन की वजह से मेटेलिक टेस्ट टंग पे होता है। आप कुछ भी खाते हैं आपको कड़वा ही महसूस होता है, आपको किसी भी चीज़ का रियल टेस्ट फील नहीं होता है, और इसकी वजह से आप खाना खाने से बचती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, आप बस बिस्तर पे लेटे रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अगर मेटेलिक टेस्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर करें? कई बार वॉमिटिंग होने के बाद ये चीज़ और बढ़ जाती है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें ताकि आप प्रेगनेंसी में अच्छे से अपना डाइट, अपना फूड, प्रॉपर मील ले सके। तो फ्रेंड्स, मेटेलिक टेस्ट जो है हार्मोनल प्रॉब्लम है, और ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर के एंड होते होते ठीक होने लग जाता है, लेकिन इस पूरे 3 महीने इसको आपको मैनेज करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड जैसे जूस, शेक, सूप, खिचड़ी, दलिया जो कि सूपी हो, इस तरीके का फूड ले सकते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से खा पाएंगे। आप दलिया, सूप में वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी में वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, दाल चावल के अलावा आप उसके फिर वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, ताकि न्यूट्रिशन जो है आपको भरपूर मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप थोड़ा खाएं लेकिन न्यूट्रिशन डेंस फूड खाना चाहिए, ताकि बच्चे को बहुत अच्छा पोषण मिल सके। इसके अलावा दिन भर मुँह पे कड़वा टेस्ट रहता है, अब क्या करें? तो कैरी, कच्ची कैरी जाती है, जो अचार बनाते हैं, जिसकी कच्ची कैरी की चटनी बनाई जाती है, आप उसे ले सकते हैं। अपने खाने में कैरी पुदीने की चटनी को शामिल कर सकते हैं। खट्टी चीज़ें आप अपने डाइट में रखें। दिन में कभी भी मुँह का टेस्ट खराब होता है तो खट्टे सिट्रस जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, कैरी बना ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तो आप ORS ले सकते हैं, जो कि फ्रूट के, ऑरेंज के, मैंगो के फ्लेवर्स में आते हैं आजकल, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो भी बॉइल्ड फूड है, जैसे कि पोटैटो है या फिर शकरकंद है, स्वीट पोटैटो है, इनको आप बॉयल करके, कैरेट्स को बॉयल करके, उस पर लेमन जूस, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग करके आप खा सकते हैं। पनीर पे ब्लैक पेपर की ड्रेसिंग करके, काला नमक छिड़क कर, स्प्रिंकल करके आप उसे ले सकते हैं। इन चीज़ों का टेस्ट आपको फेवरेबल लगेगा, आप उसे खा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेटेलिक टेस्ट की प्रॉब्लम अब आपको बिल्कुल नहीं सताएगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।